वह दोनों भगवान विलंब लगा रहे हैं पुण्य के लिए, प्रीति में परमार्थ के लिए और स्वार्थ के लिए। एक तो भगवान जब तक गुरुदेव आज्ञा न दे तब तक तो कभी भी तो महान ऐसे शिष्य है जो गुरु के आदेश के बिना एक कार्य नहीं। और गुरुदेव इतने ही कुशल है कि वे जानते हैं तो पहले एक बार सबको प्रयत्न करके असफल हो जाने तो तब मैं राम के द्वारा उस कार्य को पूर्ण कराऊं, यही बीच के है और परमार्थ तत्व भी है। देखने में लगता है कि धनुष टूटने के बाद विवाह हुआ तो साथ है, किंतु गोस्वामी जी का संकेत ये कि भगवान श्री राम क्यों नहीं उतरे और उसका तात्पर्य यह है कि उनसे अगर कोई पूछे तो वो तो यही कहेंगे कि जिनको पाना है वो प्रयत्न कर रहे और जो सदा से पाए हुए है उसे प्रत्यक्ष करना। सीता जी तो श्री राम से अभिन्न है, उन्हें तोड़ के थोड़ी पाना और इसलिए श्री राम प्रयत्न है। पर उद्देश्य दूसरा है, बोले शंकर जी का धनुष तो टूट जाएगा पर जरा जनक के मन में जो एक सात्विक अभिमान का धनुष है वो तो ऊपर चले। वही हुआ, इतने बड़े ज्ञान लेकिन आज क्या हो गया, जब सब राजा असफल हो गए तो तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा कि जिस समय निराश होकर के जनक ने दुष्काली कोई सक्षम नहीं हुआ, जनक के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने समाज में भाषण करके कहा आस निजी गृह जाऊ लिखा नी वे विवाह शुक्र जाई जो पर परिहरूं कुमार रहे अरहे का करूं जो जनते हूं भट बिनु भूल भाई तो पर कल होते हूं नहसाई जनक का वचन सुनी सब कुल नारी देख जानती है दुखानी। मानो ममता लगता था कि जनक ज्ञानी है तो उसमें ममता क्या होगी, तो जैसे पिता पुत्री के विवाह के लिए देख होता है आंसू आ जाता है उसी प्रकार से आंसू आ गया। कहा चला गया ज्ञान जब विश्वामित्र के साथ भगवान राम आए थे और राजर्षि और ब्रह्मर्षि का मिलन हुआ, राजर्षि जनक और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, तो विश्वामित्र जी से राजर्षि जनक ने पूछा महाराज गौनाथ सुंदर गौ बालक मुनि की मुस्किलों को सुनने को कुछ पाल महाराज ये जो दोनों राजकुमार है ये मुनि कुल तिलक है कि कुल बालक है। मुस्कुरा करके विश्वामित्र जी ने देखा तुम तो बड़े शुद्ध ज्ञानी हो तुम्हें क्या लगता है, उन्होंने कहा मुझे तो ये लगता है कि ब्रह्म जो निगम ने के अलावा तुम्हें द्वेष तरीकी से जावा एक ब्रह्म ही बहुत बड़ा क्या गया। विश्वामित्र जी चकित हो गए, सचमुच तुम्हारी जो प्रशंसा सुनी थी वो बिल्कुल ठीक, पहली दृष्टि में तुमने पहचान लिया पर तुमने इस धनुष्यति में दिखा दिया कि मैं चाहूं तो पहचाने और न चाहूं तो सब पहचाना हुआ भी ढूंढे तो यही हुआ। अगर ये ध्यान होता है कि साक्षात ब्रह्म ही दो देश में बैठा हुआ है उनका इतने अवसर की आवश्यकता थी, निराशा की आवश्यकता थी और तो मानो ज्ञान और वैराग्य दोनों न श्री राम को पहचान पा रहे हैं न तो उनको ममता है मेरी पुत्री विवाहित नहीं रहेगी और तब आप देखेंगे मानो ज्ञान और वैराग्य भी वो भी जब व्यक्ति को ये भान रहे तो न रहे कि मैं ये ज्ञान है मुझे वैराग्य है वो स्थिति आ गई और तब लक्ष्मण जी महाराज की भूमिका है और लक्ष्मण जी ने उठ करके यही कहा कि जो बात तो जनक जी ने कहा है अगर किसी और ने कहा हो मैं बुरा रहा लेकिन
कही जनक जैसा अनुचित वाणी विद्यमान रखूर्णे जानी, जनक जैसा ज्ञानी ऐसी भाषा बोल रहा है, मैं तो चकित हूं। और तब उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप आज्ञा दें तो इस धनुष को उठा करके मैं 100 योजन तक दौड़ा चला जाऊं, और इसको जैसे मूली को तोड़ा जाता है इस तरह से धनुष को तोड़ा। उन्होंने गौतम जी ने कहा माँ के लखन यहाँ तो क्रोध था, तो जो एक संकेत आपके सामने किया गया था, जनकपुर में काम भी है, क्रोध भी है, और व्यवहार में लोभ भी दिखाई दे रहा है। क्या लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया? क्रोध की बड़ी निंदा की जाती है, लेकिन यह क्रोध कितना कल्याणकारी है, और लक्ष्मण जी कितने क्रोध के द्वारा जो भूमिका प्रस्तुत करते हैं, कितने एक ओर लगता है कि बड़े आवेश में, और एक ओर लगता है कि कितने शांत है भीतर से और अत्यंत संतुलित। जब जनक बोले तो गोस्वामी नहीं लिखा मां के लखन कुटिल भई मोहे, रज कुट हरकत नयन सौ है कहीं न सकत रघुवीर दर, लगे जन जन मान नारी नाम पर कमल सिर बोले गिरा प्रमाण, रघुवंश नमाय जन को हो कई समारोह सकाई को लगी जनक जिस अनुचित वाणी विद्यमान रंगुल बन जान तो नाथ ज्ञान अस आयस हो कौतुक करो मिलो कि सोनू कमल लाल जिन चाप चढ़ावो दो जन सत प्रमाण ले धामो दोनों सत्यक दंड जी लो भाव बल नाथ जो न करो प्रभु पर सपद कर्ण करो भगवान। लक्ष्मण जी कहने में तोड़ चुका ऐसी अच्छी की बात कहीं कहना चाहिए, कई वक्ता अपने विचित्र ज्ञान का परिचय देते हुए ये सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि लक्ष्मण क्रोध में आते तो जो जमीन आना नहीं रहता था कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। पर आप सोचिए जनक क्या लक्ष्मण क्या अज्ञानी है क्या? लक्ष्मण जब कहते हैं धनुष तोड़ दूं और क्रोध किया तो कितना सुंदर वो क्रोध रहा होगा कि जिस समय लक्ष्मण तंत्राए हुए बोलते हैं लक्ष्मण सुखोप वचन जब बोले जब भगवान मई दिग्गज डोले सारा संसार का ताप उठा और तब सकल लोग स्वरूप डराने राजा को उस भाषण को सुनकर भी घबरा गया। छोटा राजकुमार को बताइए ऐसा है कि क्या भाषण दे रहा है? गोस्वामी जी ने बात के लिखा सबसे अधिक लक्ष्मण के बोलने पर किसको प्रसन्नता हो बोले सीए दिया सीता भी बहुत प्रसन्न हो जनक सब पूछा जनक जी संकोच में बह गए सीता जी को सबसे पहले प्रसन्नता हुई और विश्वामित्री श्री राम को मुनियों को गुरु रघुपति सब मुनि वनवादी मुझे रोमांच होया भगवान राम जन्म हो रहे हैं क्या विश्वामित्री के आनंद की तो कोई सीमा नहीं है। मुनि लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और सब वो क्रोध है जिसे देख करके जनक जननी प्रसन्न हो गई और सब क्रोध है जिसे देख करके स्वयं ईश्वर प्रसन्न हो रहा है वह और सब क्रोध है जिसे देख करके मुनियों की मंडली प्रसन्न हो रही है। वस्तुतः कितना तात्विक क्रोध मानो भगवान ने जनक को बता दिया कि अगर तुम ज्ञानी और विरागी देखना हो तो लक्ष्मण को देगा तुम्हें तो ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया। लक्ष्मण जी अगर ये मानते होते कि धनुष तोड़ने से विवाह का कोई संबंध है तो कभी भी ये भाषा नहीं बोलती।